तो बस यही सोच रही हूँ कि ये न्यूज़ देखने के बाद अब तेरा क्या होगा कालिया, नहीं कालिया नहीं, राजकुमार पांडे। प्रणाम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप गाइस आप सब एकदम बढ़िया हो, एकदम मस्त हो। तो गाइस, जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि खेसारी भैया गरीबों का मसीहा है, जैसे सब लोग खेसारी भैया को भगवान की तरह मानते हैं, वो बात आज खेसारी भैया ने प्रूव कर दिया कि हाँ, सच में खेसारी भैया सिर्फ इंसान नहीं, वो भगवान है, मतलब गरीबों के लिए। ठीक है गाइस, आप लोगों को तो पता ही है कि 2020 से कोरोना वायरस मतलब सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी जाओ सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में ही सुनने को मिलता है, एंड बहुत लोगों का मौत हो चुका है इस वायरस के वजह से। तो इस कोरोना वायरस को लेके भी एक न्यूज़ आया है। अब यहाँ पे टाइटल पे जो लिखा है कि श्याम देहाती के जैसे किसी को नहीं मरने दूंगा अब, खेसारी लाल यादव। ठीक है, तो ये न्यूज़ आया है A1 बिहार चैनल पर। तो गाइस, टाइटल सुन के ये तो क्लियरली पता चल गया कि अब खेसारी भैया कोरोना पेशेंट के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को थोड़ा सा देख लेती हूँ कि क्या है वीडियो के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम राजन है, आप A1 बिहार देख रहे हैं, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी अभी खेसारी लाल यादव ने अपने एक भाई को खोया है, और भाई को खोने का कारण है ऑक्सीजन। और खेसारी लाल यादव ने ये ठाना है कि अब बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। खैर, आइए इस मामले पे पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पूरे देश दुनिया में तबाही मचा के रख दिया है। दोस्तों, ये तबाही बिहार की तरफ भी बढ़ता चला आया है, और बिहार में एक दिन में 12,000 से भी ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, और सुशासन बाबू जितना कहते थे कि मैं बिहार को ये बना दूंगा वो बना दूंगा, आज कोरोना काल में दिख रहा है कि किस तरीके से बड़े बड़े लोगों को भी सोशल मीडिया के सामने आके रोना पड़ रहा है। और बड़े बड़े सुपरस्टार पूरी ताकत लगा दे रहे हैं, फिर भी उनको एक बेड और एक ऑक्सीजन की इंतजार करने में हालत खराब हो जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दें, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। चमकी बुखार में भी आपने देखा था कि उस मामले में खेसारी लाल यादव ने लोगों की बहुत ज्यादा जाके मदद की थी। और वहीं हम आपको बता दें, पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो खेसारी लाल यादव ने दिल्ली तक अपने लोगों को भेजा था, और फिर वहां पे जिन लोगों को खाने पीने और रहने की दिक्कत थी उन लोगों तक अपनी सेवा मुहैया करवाई थी। वही कुछ देखने को इस बार भी बिहार में मिल सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, सूत्रों की आई खबर से माने तो खेसारी लाल यादव का खेसारी फाउंडेशन जो है सो एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। दोस्तों, खेसारी का कहना है कि मैं जितने भी लोग हैं खेसारी फाउंडेशन से जुड़े हुए सब लोग को एक्टिव करता हूँ, और वैसे तो मैं पहले बहुत लोगों की मदद करता था, लेकिन कोरोना काल में जितने भी गरीब लोग हैं उन सारी लोगों की मदद खेसारी फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दें, खेसारी लाल यादव ने इस चीज़ की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्र से ये पता चलता है कि खेसारी लाल यादव बहुत जल्द लोगों की मदद करना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने ही खेसारी लाल यादव के एक बहुत ही करीबी दोस्त की जान ले ली है। और खेसारी का ये मानना है कि अब मैं किसी को ऑक्सीजन के वजह से नहीं मरने दूंगा, और इस मदद की हाथ को सबसे पहले खेसारी लाल यादव ने श्याम देहाती के परिवार के लिए बढ़ाया था, और वो पूरा हो चुका है। उनके दोनों बच्चे थे, और श्याम देहाती की जो पत्नी थी सो निगेटिव हो चुकी है कोरोना से। उनको जो भी सुविधा चाहिए था खेसारी लाल यादव ने मुहैया करवाया है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है, और खेसारी लाल यादव आगे भी अपने लोगों की मदद करेंगे। दोस्तों, इस पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि ये न्यूज़ देखने के बाद अब तेरा क्या होगा कालिया नहीं, राजकुमार पांडे। मतलब कुछ दिन पहले ही राजकुमार पांडे ने ऐसा बोला था ना कि यार, अगर खेसारी लाल ने 50 लाख रुपया दान कर दिया ना, तो मैं लाइन में खड़ा होकर हाथ ताली मारूंगा, ऐसा कुछ बोला था राजकुमार पांडे जी ने। तो ये न्यूज़ देखने के बाद राजकुमार जी, आपके पास कुछ वर्ड है बोलने के लिए? एंड ये डिसीजन लेके खेसारी भैया ने पूरा प्रूव कर दिया कि वो श्याम देहाती जी को अपना भाई की तरह मानते थे। ठीक है, इसीलिए वो अपने भाई के लिए तो कुछ नहीं कर पाई, बिकॉज उतना टाइम ही नहीं दिया श्याम देहाती जी, उससे पहले ही श्याम देहाती जी का मौत हो चुका था। बट खेसारी भैया, आप किसी को नहीं खोना चाहते हैं, इसलिए जितना भी कोरोना पेशेंट है उन लोगों के लिए अब खेसारी भैया कुछ करना चाहते हैं। ठीक है,
तो मैं इस न्यूज़ को देख के बहुत बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसा खेसारी भैया के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए, बिकॉज आप लोगों के पास इतना कुछ होने के बाद भी आप लोगों ने कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर कोई किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, उल्टा सीधा मत बोलिए। बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि खेसारी भैया जो है जैसा है, आप लोग कभी बन नहीं पाएंगे खेसारी भैया की तरह, ठीक है। भैया के बारे में बोलने के लिए भी ना एक औकात चाहिए, जो औकात आप लोग के अंदर नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ भी मत बोलना। और एक बात आप लोगों को तो पता ही है कि अभी कोरोना बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा केयरफुली रहना। अगर बाहर कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो प्लीज़ आप लोग बाहर मत जाना, एंड अगर बाहर जाना भी है तो ऑलवेज मास्क पहन के जाना, एंड घर पे रिटर्न आने के बाद अगर घर पे सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़र को ज़रूर यूज़ करना, अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो फिर नॉर्मली जो साबुन है साबुन से हाथ पार ठीक ठाक से धो के फिर घर पे जाना, ठीक है, केयरफुली रहना। आज के लिए इतना ही, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।